ইটভাটা থেকে উদ্ধার হলো এক ভাটা শ্রমিকের রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য নদিয়া জেলার শান্তিপুরে। জানা গেছে, শম্ভু পাসওয়ান নামে ভাটা শ্রমিকের রক্তাক্ত দেহ ইটভাটার মধ্যে রবিবার সকালে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভারী কোনো কিছু দিয়ে তাকে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। জানা গেছে, শম্ভু পাসওয়ান ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের বাসিন্দা। সপরিবারে তারা শান্তিপুর থানার গয়েশপুর খনি ইটভাটায় কাজ করতেন। क्या हुआ था रात में? रात में क्या हुआ था? झगड़ा पगड़ा हम लोग सुना है। वो जो चावल ले गया, चावल चोरी करके बोलता है, तो साथ में चावल हुआ दिला पर था, सब चावल ले गया। सब सचमुच किया है क्या? चोरी किया है? हाँ, ले गया चोरी करके। तो ये बोलता है कि हम लोग मजाक करता है, चावल सब हम लोग तो सब ले जाता है वैसे बोलता है। ले गया चावल? नहीं। कहाँ से लिया? वो डेरा से। और कौन मारा? कौन? नहीं देखा हम लोग। रात कितने बजे हुआ? कहाँ मालूम कितने बजे मार दिया उसको। आप उस वक्त कहाँ था आप? हम लोग हुआ सो गया उगार में। अच्छा, एक ही जगह में रहते थे आप? वो यहाँ पर सोने के लिए आया था, यहाँ बिछना भी यहाँ पर आया, लदरा पदरा उसका। अच्छा, हम भीतर में रह गए तो यहाँ पर बाहर में हम लोग सुता है। इधर आपका घर किधर था? उधर घर, एक्चुअल घर कहाँ है आप? बिहार? बिहार में क्या? हाँ, हम लोग बिहार। वो आपका स्वामी है ना? और हाँ, हमारा स्वामी है। और आपका लड़का लड़की है? दो है। लड़की? हाँ, दो लड़की। कितने साल से काम करते हैं ये भाटा में? ये साल आया है। ये साल में? तो एक साल के अंदर घर गए नहीं? नहीं, बाद में जाएगा बोल करके हमको नहीं गया। ये आपका हस्बैंड का नाम क्या है? शम्भू। शम्भू की पासवान। शम्भू पासवान। क्या उम्र है उसका? वही तो बोला 50-60 की या 70 होगा। নদিয়া থেকে মাধব দেবনাথের রিপোর্ট, আনন্দবার্তা।